स्वागत है आपका आज अमृतसर साहिब में। श्री अमृतसर साहिब श्री गुरु रामदास जी वसाई गई नगरी, जहाँ पैर रखते ही एक अनोखी सी शांति मिलती है। यहाँ से देख सकते हैं श्री अमृतसर साहिब से जलंधर मार्ग पर बनाया गया ये द्वार शहर की अहमियत को दर्शाता है। सुनहरे रंगों में रंगे गए इस द्वार, सोने के पानी से कलाकारी की गई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं रात का व्यू, रात में लगी गई इस लाइट को और भी खूबसूरत इसको बना देती हैं। ये देखिए यहाँ से इसका व्यू कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। जब आप रात को यहाँ से निकलेंगे तो देख पाएंगे इसकी खूबसूरती। और आज मैं इस वीडियो में आपको बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा दर्शन करवाऊंगा। यहीं से अब हम चलेंगे अपने वीडियो की ओर, तो चलिए। यहाँ से आप देख सकते हैं यह है अमृतसर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक क्लिप लिया है। ये सुबह 6 बजे का एक समय है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं अमृतसर, तो यहीं पे आप इजिली अमृतसर गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा या शहीद बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा आप ईजिली पहुँच सकते हैं। यहाँ पे 20 से 30 रुपये आपको बाई रिक्शा ईजिली आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो चलिए यहीं से चलेंगे, आप अपने वीडियो को स्टार्ट करते हुए शुरू करेंगे आज बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे से। तो चलिए आइए। शोरा सो पहचानिए जो लदे तीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तबु न चढ़े खेत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं गुरुद्वारों के बीच गुरुद्वारा शहीद साहिब के दर्शन करवाऊंगा, जहां शहीद के सरताज बाबा दीप सिंह जी का संस्कार किया गया था। यहां से देख सकते हैं यही है एंट्री। और बाबा दीप सिंह जी का जन्म सन 1682 में अमृतसर के गांव भाऊपिंडी में हुआ था। 12 साल की उम्र में बाबा दीप सिंह जी अपने माता पिता के साथ आनंदपुर साहिब गए थे। वहाँ बाबा दीप सिंह जी की मुलाकात सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुई थी। 18 साल की उम्र में उन्होंने अमृत छका और सिखों की सुरक्षित रखने के लिए शपथ ली। यहाँ से देख सकते हैं अब आ गए हम गुरुद्वारे के अंदर। और यहाँ से देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस गुरुद्वारे को सजाया गया है। ये देखिए यही है गुरुद्वारे की एंट्री। हरमंदर साहब को नुकसान पहुंचाने की खबर जब बाबा दीप सिंह जी को मिली, उन्होंने नगाड़े के चोट पर युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। तुरंत समस्त साहबों की तलवंडी नगर के श्रद्धालु नागरिक एकत्र हो गए और बाबा दीप सिंह जी ने धर्म युद्ध का आह्वान करते हुए कहा कि सिखो, हमने आता टाई से पवित्र हरमंदर साहिब दरबार साहिब के अपमान का बदला अवश्य लेना है। हरमंदर साहिब को अहमद शाह अब्दाली के कब्जे से छुड़वाने के लिए बाबा दीप सिंह जी ने अपनी सेना के साथ काफ़ी बहादुरी से युद्ध कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने खालसा लड़ाकों से कहा कि उनका सिर हरमंदर साहिब में ही गिरेगा। तरन तारण तक पहुँचते पहुँचते उनकी सेना में करीब 5,000 खालसा योद्धा शामिल हो चुके थे। लाहौर दरबार में सिखों की इन तैयारियों की सूचना जैसे ही पहुंची, जहां खान ने घबराकर इस युद्ध को इस्लाम खतरे में है का नाम लेकर जहादियों को आमंत्रित कर लिया। सिखों ने ऐसी वीरता से तलवार चलाई कि जहां खान की सेना में भगदड़ मच गई।
जगह जगह शवों के ढेर लग गए। दूसरी तरफ जहां खान ने नायब सेनापति जलम शाह आगे बढ़ा और बाबा जी को ललकारने लगा। इस पर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। उस समय बाबा दीप सिंह जी की आयु 75 वर्ष की थी, जबकि जमाल शाह की आयु लगभग 40 वर्ष की थी। उस युवा सेना नायक से दो दो हाथ जब बाबा दीप सिंह जी ने किए तो उनका घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया। इस पर उन्होंने घोड़ा त्याग दिया और युद्ध करने लगे, पैदल युद्ध करने लगे। बाबा दीप सिंह जी पैंतरा बदलकर एक खड़े का वार जमाल शाह की गर्दन पर किया, जो अचूक रहा। बाबा दीप सिंह जी जमाल शाह ने एक दूसरे पर वार किया, दोनों की गर्दन कट गई। दोनों पक्ष सेनाओं की यह सब कुछ देखकर दंग रह गई। तभी निकट खड़े दयाल सिंह ने बाबा दीप सिंह जो ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा कि बाबा जी, आपने तो रणभूमि में चलते समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना शीश श्री दरबार साहिब में ही गुरु चरणों में भेंट करूंगा, आप तो यही रास्ते में शरीर त्याग रहे हैं। जैसे ही शब्द मृत बाबा दीप सिंह जी के कानों में गूंजे तो वह उसी क्षण उठ खड़े हुए और उन्होंने आत्मबल से पुनः अपनी तलवारों से कटा हुआ सिर उठा लिया। बाबा दीप सिंह जी एक हथेली पर अपने सिर धर पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर फिर से रणपुरी क्षेत्र में झूझने लगे। जब शत्रु पक्ष के सिपाहियों ने अमृत बाबा जी सिंह जी हथेली पर लेकर रणभूमि में झूझते हुए देखा तो भयभीत होकर अली अली तोबा तोबा कहते हुए रण क्षेत्र में भागने लगे और कहने लगे कि हमने जीवित लोगों को लड़ते हुए देखा है, सिखों तो मर कर भी लड़ते हैं, हम जीवित से तो लड़ सकते हैं, मृत से कैसे लड़ेंगे। शत्रु सेना भय से मारे भागते ही अपनी भलाई समझने लगी और 15,000 से ज़्यादा तवा शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग गए और इस युद्ध में सिखों की जीत हुई। ठीक है, जीवन परिचय जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं यहीं से अपने वीडियो का एंड करते हुए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का।